नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो देश जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। उत्तर कोरिया में ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। उत्तर कोरिया अपनी शासन पद्धति की वजह से हमेशा से ही विवादों में रहता है, कभी वहाँ के तानाशाही वाले लोकतंत्र को लेकर तो कभी विवादित सैटेलाइट परीक्षण को लेकर। आप सभी को मालूम है कि तानाशाह किम जोंग उनकी बात न मानने पर सरेआम तोप से या फिर गोली से मारकर लोगों की हत्या कर दी जाती है। इस देश में न तो आप अपनी मर्जी से बाल कटा सकते हैं और न ही इंटरनेट चला सकते हैं, लेकिन इस देश के कुछ तथ्य वाकई हैरान करने वाले हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जिन पर आपको हंसी भी आएगी और यहाँ के लोगों पर तरस भी आएगा। तो चलिए आपको इस देश के बारे में कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में बताते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फ्री फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया से जुड़े बहुत ही अजीबोगरीब तथ्यों के बारे में, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ऐसी अमेजिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, राजभाषा कोरियाई है, निवासी उत्तर कोरियाई है, क्षेत्रफल 120,540 वर्ग किलोमीटर है जो कि विश्व में 98 नंबर पर है, जनसंख्या 2.5 करोड़ है, यहाँ की मुद्रा उत्तर कोरियाई वोन है और उत्तर कोरिया का झंडा दिखने में कुछ ऐसा है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बहुत अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में है लेकिन नॉर्थ कोरिया अभी भी जस का तस है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है और इस देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। जैसे अभी पूरी दुनिया में 2021 साल चल रहा है लेकिन वहाँ पर 109 साल चल रहा है। DTH और OTT प्लेटफॉर्म के जमाने में नॉर्थ कोरिया के लोग अभी तक सिर्फ 3 चैनल ही देखने के लिए स्वतंत्र है। देश में सिर्फ 3 TV चैनल हैं जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का नियंत्रण है और इन 3 चैनल के नाम हैं मनसूदे टेलीविज़न, रियोनगनाम सेंट टेलीविज़न, कोरियन सेंट्रल टेलीविज़न। मतलब कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें हजारों चैनल देखने को मिल रहे हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरी के। यह दुनिया का वो देश है जहाँ पर रोजाना रात को बिजली जाने की परंपरा है। अगर हमारे यहाँ पर लाइट थोड़ी देर के लिए भी चली जाए तो लोग आफत मचा देते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को इसकी आदत है। यहाँ पर बिजली की कमी के चलते रोज रात को बिजली काट दी जाती है और यह बात दुनिया के सामने तब आई थी जब अंधेरे में डूबे नॉर्थ कोरिया की एक तस्वीर कुछ समय पहले वायरल हो गई थी और यह तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई थी। देश में चुनाव होते हैं मगर जनता के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनने का विकल्प होता है। सन 1948 से देश पर एक ही परिवार का शासन है। यह बात भी हास्यास्पद है कि एक परिवार का शासन होने के बाद भी हर साल चुनाव होते हैं। किसी को समझ नहीं आया है कि जब शासन एक ही व्यक्ति का है तो चुनाव कराते क्यों हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं। यह चुनाव मेयर और प्रांतीय सरकार या फिर लोकल असेंबली के लिए होते हैं, जबकि वोटर्स के पास बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार है। स्कूल जाना यहाँ के पेरेंट्स की दुगनी मुसीबत की वजह है। यहाँ पर पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए स्कूल में डेस्क और चेयर खुद देनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ छात्रों को तो सरकार के लिए मजदूरी तक करनी पड़ती है। उन्हें कभी कभी कचरा बीनने तक का काम सौंपा जाता है। यह दुनिया का शायद पहला देश है जहाँ पर 3 जनरेशन तक सजा का नियम है। यह देश की वो हकीकत है जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और उसके बच्चों को भी जेल भेज दिया जाता है। यानी कि अगर आप वहाँ कोई अपराध करते हैं तो सजा आपके पोता पोती को भी झेलनी पड़ेगी। किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मृत्यु साल 2011 में हो गई थी, लेकिन आज तक उनके शव को संरक्षित करके रखा गया है। उनके शव को एक कांच के ताबूत में रखा गया है और टूरिस्ट उसे देखने के लिए आते हैं। जो उनके शव को देखने आता है उसके लिए सिर झुकाना अनिवार्य है। यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स की मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से मंजूरी हासिल हेयर स्टाइल्स के अलावा अगर कोई हेयर स्टाइल रखी गई तो फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो वो अपनी मर्जी से पसंदीदा हेयर स्टाइल रख सकती है। अगर कोई महिला सिंगल है तो फिर उसे अपने बाल छोटे रखने होंगे। यहाँ पर धर्म की आज़ादी नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक नास्तिक देश घोषित किया हुआ है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का पालन करते हुए नजर आता है तो फिर उसे मौत की सजा दी जाती है। यह दुनिया का वो देश है जो मानव अधिकारों को हरगिज नहीं मानता है। देश में सरेआम सबके सामने लोगों को फांसी दी जाती है। साल 2015 में यहाँ के रक्षा मंत्री ह्योन योंग चोल को सैकड़ों लोगों के सामने तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया था। यहाँ पर किम जोंग उनके शासन के साथ ही संगीत पर भी बैन लगा दिया है। साल 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट और सीडीज को नष्ट करने का आदेश दिया था।
किम का मानना था कि इनमें दर्ज गानों के लिरिक्स उनकी जनता के बीच अशांति की स्थिति पैदा कर सकते हैं और उसे शासन के खिलाफ भड़का सकते हैं। किम जोंग उन बड़ा ही क्रूर शासक है क्योंकि इसने अपने चाचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों को खिला दिया था। इंडिया और बाकी देशों में जिस तरह से बच्चों को इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में इतिहास में सिर्फ दो ही चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, पहला किम जोंग वन और दूसरा किम जोंग टू की वीर गाथाएं। यहाँ पर आप अपने घरों में अपनी मर्जी का पेंट करा सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने घर को रंग भी नहीं सकते हैं। उन्हें सरकार के आदेश के अनुसार इमारत पर ग्रे कलर ही पेंट करना होता है और उन पर नेताओं की तस्वीरें लगाने का भी एक नियम है। उत्तर कोरिया में एक आम नागरिक कार नहीं खरीद सकता क्योंकि यहाँ पर कार खरीदने का हक सिर्फ सेना और कुछ अधिकारियों को ही है। अगर आप उत्तर कोरिया जाते हैं तो वहाँ आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, आपका मोबाइल एयरपोर्ट पर जब्त कर दिया जाएगा और जब आप वापस आएंगे तभी दिया जाएगा। सो गाइज, नॉर्थ कोरिया की बातें आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।